प्यारे दोस्तों, बालों की हालत कुछ इस तरह की है। अगर आप मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने मेरे बालों को हाईलाइट करवाया था लास्ट ईयर आई थिंक मार्च में, मतलब 12 महीने हो चुके हैं। सो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे बालों को मैं खुद से कलर कर लूँ घर पे। बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि तुम्हारे बालों का कलर कौन सा है। सो मैंने हाईलाइट करवाए थे तो मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, पर मैं आज करने वाली हूँ ये लॉरियल पेरिस का एक्सीलेंस क्रीम ट्रिपल केयर कलर हेयर कलर। इसके शेड का नाम है लाइट गोल्डन ब्राउन। बिकॉज ये रूट्स का कलर एंड ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो फिर मैंने लगा कि उधर ना थोड़ा अच्छा हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है कि मेरे जो नेचुरल बालों का रंग है वो थोड़ा ब्राउन किस्म का है, पूरा अच्छा ब्लैक रंग नहीं है मेरे बालों का। सो ये वाला कलर यूज़ करने वाले हैं हम अपने बालों की खूबसूरती को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। पर सबसे पहले बालों को ब्रश कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है बालों को हेयर कलर करना, बालों को हेयर कलर, वाओ वैसे नाइस। तो मेरे बालों को कलर करना मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बाल बहुत ऑयली हों एंड ऑलरेडी वॉश करने के लिए लेट हो चुके हों या वॉश करने के लिए तैयार हो। बिल्कुल फ्रेश वॉश हेयर पे मुझे नहीं करना अच्छा लगता, क्योंकि जो हमारे बालों में नेचुरल ऑयल निकलता है ना, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट कर लेता है ये केमिकल से। सो वो परफेक्ट हालत है मेरे बालों की फ़िलहाल। सो मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं। एंड दूसरी चीज़, ओके सो मेरे बाल काफ़ी छोटे हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि जब मेरे बालों को मैं कटवाती हूँ तो फिर मैं बाल में उदास हो जाती हूँ कि यार मेरे बाल कितने छोटे हो गए। पर इस बार ऐसा हुआ कि मैंने लास्ट ईयर कटवाए थे ना 12 मंथ पहले, एंड जब भी मेरे बाल लंबे हो रहे हैं मैं दोबारा कटवा रही हूँ। क्योंकि इस बार मुझे मेरे छोटे बाल अच्छे लगे और बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने गलती कर दी। बड़ा मज़ा आया मुझे। और हर बार मैं 2 इंच और चॉप करवाती गई, काफ़ी छोटे करती गई मैं बाल। एंड अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं बालों को लंबा कर लूँ, पर पूरा श्योर नहीं है कब करेंगे। सो इस बॉक्स के अंदर जो भी डायरेक्शन दी जाएंगी उसको फॉलो करेंगे। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही के जैसी हूँ। एंड फिर मैं आपको बता दूंगी कि आप अपने लुक को कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। और ये जो इसके साथ ना कंडीशनर आता है, पहले मैं ये यूज़ नहीं करती थी, पर ये बहुत मज़ेदार है। जब आप बालों को वो कलर करके ये कंडीशनर यूज़ करते हैं ना, तो फिर बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। सो ज़रूर से ट्राई करें। ये आफ्टर केयर है। एंड ये क्या है, नंबर 2। सो नंबर 1 को नंबर 2 में ऐड करेंगे। सो इसमें सारी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि की कलाकारी करनी है। सो चिंता मत करें, ग्लव्स भी हैं वो पहन लेंगे हम। को 1 में ऐड करते हैं। सो इसको ओपन कर लेंगे। सो इसको इसमें ऐड कर लेंगे एंड सारा हम को अच्छे रह ना जाए। सो अब ये वाले ढक्कन को इस पर लगा के हम शेक करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो इस काम के लिए कोशिश करें कि आप गंदी टी शर्ट पहने या फिर हस्बैंड की पहन लें, क्योंकि अगर ख़राब हुए तो हस्बैंड की है, आपकी मत हो। अप्लाई आफ्टर कलर केयरिंग शैम्पू, ओ ब्ला ब्ला ब्ला। ओके सो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सो इसमें लिखा गया है कि पहले ना रूट्स पे कर लें एंड उसको थोड़ा कलर होने दें, देन आप लेंथ पे करें। ऐसे ही करेंगे हम थोड़ा। एंड इसके साथ ही ब्रश सा भी है अगर आप थोड़ी ज़्यादा कलाकारी करना चाहते हैं। सबसे पहले ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि हमारे हाथों पर रंग ना लगे। वैसे तो ये ब्राउन कलर है, इसकी ज़्यादा गंद नहीं पड़ेगा, पर जो ब्लैक होता है ना उसका बहुत गंद पड़ता है। सो अगर आप ब्लैक करना चाहते हैं ना तो फिर बहुत केयरफुल रहे। आपको मैंने बताया ना कि मेरे बालों का कलर थोड़ा ब्राउन किस्म का है, तो बहुत बार होता था कि मैं ब्लैक कलर करती थी मेरे बालों को। सो यस, और शेक कर लेंगे। एंड इसके ऊपर ये टिकनी विकनी सी है, इसको रिमूव करके आप आराम से आप आराम से लगा सकते हैं, जैसे कि आप बालों में ऑयल लगाते हैं। सो हम ऐसे लगा लेंगे लाइक दिस। एंड फिर मैं ऐसे ऐसे स्प्रेड कर लेती हूँ। मेरे पास ना शीशा नहीं है, यहाँ पर शीशा ले आना मैंने। अब तो मैंने बालों को गंदा भी कर लिया है। सो इसी तरह हम सारी रूट्स को कलर कर लेंगे पहले। मुझे कोई बहुत ही ऐसे नहीं होता कि पूरा परफेक्शन के साथ हो, एडी मैं ना वो नहीं हूँ, पिकी। अगर आपके बाल लंबे हैं तो मुझे लग रहा है आपको 2 बॉक्सेस लगेंगे। मेरे बाल छोटे हैं तो कम ही लगता है। ऐसे ऐसे मसाज कर लेंगे। अंदाजे के साथ ही हम पीछे भी लगा लेंगे। अच्छी तरह इसको ना 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, देन हम लेंथ पे लगा के उससे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, देन वॉश कर लेंगे। ओके सो अराउंड 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम लेंथ पे भी लगा लेंगे। लेंथ पे लगाते लगाते ना मैं मेरे बालों को टाई कर देती हूँ थोड़ा सा। सो मेरे हैंड पे ले लेती हूँ मैं और ऐसे लगा लूँगी जैसे मैंने ऑयल लगा रही हूँ ना। आप ना थोड़े छोटे छोटे सेक्शन लें ताकि हर जगह लग जाए। सो सारे ही बाल अच्छी तरह कवर हो चुके हैं, बट बचा हुआ कलर और पोत लेंगे कि वो वेस्ट ही जाएगा ना, अपने बालों पे ही लगा लेते हैं। तो मैं इसे एक बार फिर से खोल लेती हूँ। यहाँ रूम में बैठ के ना मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे मैं ये काम ना वॉशरूम सिंक पे करती हूँ। तो सारा बचा हुआ प्रोडक्ट लेंगे, मल मल के लगा लेंगे हर तरफ कि कोई अगर कोना छूट भी गया हो ना तो अब कवर हो जाए, और ऐसे ऐसे मल देंगे। एक्चुअली छोटे बालों को मैनेज करना आसान है। आपके लंबे बाल होंगे तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी या फिर आई डोंट नो, बहुत मेहनत लगेगी आपको। सो अब मैं मेरे बालों को टाई करके हेयर बैंड लगा लूँगी। एंड यही समय है जब आपको लगता है कि आपने कलर इधर उधर लगा लिया, उसे साफ़ कर ले ताकि कलर आए ना आपकी स्किन पे, क्योंकि बाद में बहुत अजीब लगेगा। सो कलर लग चुका है। मैं सोच रही हूँ चाय बना के अपने लिए एक पी लूँ कप, एंड इसको छोड़ देते हैं अराउंड 15-20 मिनट के बाद। उसके बाद मैं वॉश करने के बाद ही आपको मिलती हूँ। तब तक मैं चिल करने वाली हूँ, आपको दिखाऊंगी कि मैं फिनिश रिजल्ट कैसा आया। ओके सो आई एम बैक विद द हेयर कलर। कुछ रंग इस तरह का दिख रहा है एंड कई कई स्पॉट मुझसे मिस हो गए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हाल चाल हैं। सो मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने बालों को स्टाइल कर लिया है। सो बालों का रंग मैंने समझ में नहीं आ रहा कैसे है, ऐसा कुछ है। बहुत ज़्यादा लाइक रूट्स पे अच्छी तरह नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा कवर हो गया है। ऐसे जैसे पहले बहुत ही अजीब सा लग रहा था, वो थोड़ा ठीक हो गया है। नेकलेस पहनने वाली हूँ मैं, और अगर आपको नहीं पता है तो ये नेकलेस मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है simorlshezz.com पे। एंड और भी बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी मेरे वेबसाइट पे है, उसको मैं ना यहाँ पे पिक्चर्स छोड़ देती हूँ क्या क्या है हमारे पास। और ये है स्टेनलेस स्टील की गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, और ये मैं नेकलेस पहन रही हूँ अराउंड 4 साल से। इसका रंग एक पैसे का चेंज नहीं हुआ है, इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इसकी, गोल्ड जैसे का जैसा ही है। सो वैसे तो ये पानी भी लगे इसको तो इसका रंग नहीं जाता, इतना स्पेशल एंड इतना अच्छा है ये। पर मैं कहूँगी कि आप बचा के रखें, आपकी मर्जी है। वैसे मैं पानी में पहन लेती हूँ क्योंकि इंडिया में ऑल द टाइम मैं पहन रही थी और मुझे रिमूव करने का चेता भूल जाता था, और मैं ऐसे ही नहाती थी तो स्टिल वैसे का वैसा ही है, पूरा चमकदार गोल्ड। सो ये नेकलेस की स्पेशलिटी क्या है, इसमें ये ब्यूटीफुल इन्फिनिटी साइन है, एक एंजल का पर भी बना हुआ है। सो ज़रूर से खरीदो, बहुत अच्छे प्राइस पे है, बहुत डिसेंट प्राइस पे है। और मेरे पास 2 डिफरेंट किस्म के इयररिंग्स भी हैं, खरीद लें जब तक ये लास्ट करता है। ये है इन्फॉर्मेशन अबाउट माय ब्यूटीफुल नेकलेस, क्योंकि बहुत सारे दोस्त पूछते रहते हैं कि तुमने ये गले में पहना है तो कहाँ से लिया है। सो ये मेरा है, माय ब्यूटीफुल नेकलेस, और ये बहुत प्यारी चेन है। मैं तारीफें क्या करूँ, आपको अगर खरीदेंगे ना खुद से पता चल जाएगा। आप बताना कि आपको रंग कैसा लगा, मुझे ठीक ठाक लगा। आप पे है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। पर आज हम यहाँ पे आए हैं नन्ना सा सखी सहेली सेशन करने के लिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से बातचीत करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैंने लगता है कि जब हम सखी सहेली सेशन करते हैं ना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। सो आज के इस सखी सहेली सेशन का टॉपिक होने वाला है नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से अपने आप को कैसे बचा के रखें। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है ना, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ मैं। ओके दोस्तों, तो नेगेटिविटी से दूर क्या कैसे रहें। ज़्यादा कोकोटवीला बना। ओके दोस्तों, पहले मुझे लगता है आपको बताया है या नहीं, मैं ना न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रही हूँ, एंड फिर मैं ना 2-4 वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए बेसिक नॉलेज देने के लिए, लाइक नंबर्स के बारे में और थोड़ा सा ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी। सो थोड़ी नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ मैं खुद से। और नेगेटिविटी से दूर रहना बहुत आसान नहीं है, बोलने में लगता है कि दूर रहें, बट आप कौन कौन से स्टेप करें कि आप बच सकते हैं। पहली चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन में, किसी जगह पे या किसी लोगों से मिलकर आप ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं तो कोशिश करें उन्हें अवॉइड करें। अगर वो दोस्त हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि आपको ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। अगर वो रिश्तेदार हैं या फैमिली है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर अपना बाउंड्रीज क्रिएट कर लें कि मैं इतने तक सह सकता हूँ, इतने तक मैं मैनेज कर सकता हूँ एंड उससे ज़्यादा नहीं। और बाउंड्रीज अपनी आप को तय करनी है, और जब आप अपनी बाउंड्रीज तय कर देते हैं ना कि मैं इतने तक मैनेज करूँगा, तो आप अच्छा हैप्पी फील करते हैं। और नो करना सीखें, आपकी बाउंड्री के अंदर ही आता है। अगर आप कई चीज़ करने के लिए खुश नहीं है और नहीं करना चाहते हैं तो नो कह दें कि नहीं, सॉरी, आई एम नॉट डन। एक दो बार कोई गुस्सा हो जाएगा, उसके बाद वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। सो नो कहना सीखें, आप ही खुश रहेंगे। और कोई भी स्पिरिचुअल पाथ को ज्वाइन करें, लाइक ये नहीं है कि किसी गुरु का चेला बन जाए, मेडिटेट करना शुरू करें। मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है आपको नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए। आपको पता चलेगा कि ये जो आप सोच रहे हैं कि नेगेटिविटी है या ये जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा माइनर है, और एक्चुअली ज़िंदगी से आगे बहुत ज़्यादा कुछ और भी है। सो कुछ ना कुछ किस्म की मेडिटेशन ज़रूर करें। थोड़ा ना नेचर में समय स्पेंड करें, लाइक वॉक पे जाएं, ग्राउंडेड एक्सरसाइजेस करें, लाइक नंगे पैरी ग्रास पे वॉक करना, या फिर सॉइल को अपने हैंड्स में फील करना, या प्लांटिंग, गार्डनिंग। ये सारी चीज़ें आपको ना बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ग्राउंडेड फील कराती हैं एंड आप नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहते हैं। अगर मैं अपने बारे में सोचूँ तो मैं नेगेटिव नहीं हूँ, पर मैं क्रिटिसाइजिंग बहुत ज़्यादा हूँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मुझे होता है कि उसकी चीज़ों में मैं गलतियाँ निकालूँ, पर अपने आप को मैं बहुत क्रिटिसाइज़ करती थी। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं करूँ, पर मुझे हैबिट है कि मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा नुक्स नज़र आते हैं कि मेरी यह चीज़ अच्छी नहीं है, ये और बेटर हो सकती थी। मुझे लाइक अपने आप को अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा नहीं लगता। रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड की है जिसमें मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ क्वेश्चन आंसर है। उसमें वो बोल रहा है तो मैं उसे बोलने से रोक रही हूँ, लाइक आप अंदर बोल के, क्योंकि मैं वो मेरी तारीफ़ कर रहा है और मुझे किसी से तारीफ़ें सुनना अच्छा नहीं लगता। ये भी लाइक सेल्फ क्रिटिसाइजिंग के अंदर ही आता है कि जब आपकी कोई तारीफ़ करता है आप उसको ले नहीं पाते हैं। आपको बस थैंकफुल होना चाहिए कि ओह रियली थैंक्स। मुझे शर्म आ जाती है, मैं शाय फील करती हूँ, मुझे वियर्ड सिचुएशन हो जाती है कि नहीं मैं अड्डी वदिया नहीं हो सकती। तो ये भी नेगेटिविटी के अंदर आ सकता है। पर किसी के बारे में नेगेटिव सोचना या कुछ अपनी ज़िंदगी में मुझे लग रहा कि नेगेटिव सोच रहा, वो वैसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। पर अपने आप को मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कि आज चीज़ ज़्यादा हो सकती थी, ऐसे हो सकता था। जैसे मैं कुक अच्छा करती हूँ, लाइक काफ़ी स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, पर मैनू लगता रहा कि ये और बेटर हो सकता था। या फिर अगर मैं कुछ कुक कर रही हूँ, हस्बैंड कहेंगे कि मैं अपने दोस्त को दे आता हूँ या उसे बुला लेता हूँ, मैं कहूँगी अभी मत करना, शायद अच्छा बनेगा या नहीं करे कि तुम्हारा फूड तो हमेशा अच्छा बनता है। लाइक ये मेरी क्रिटिसाइजिंग हैबिट है कि मुझे यकीन नहीं आता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, जिसको मैं हेल्प कर रही हूँ बेटर करने के लिए। लाइक जब मुझे लगता है कि मैं अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ तो फिर मैं सेल्फ टॉक करती हूँ पॉजिटिविटी वाली, पॉजिटिव थाट्स की नहीं तो मैं ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो ये है कि अगर आप नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में तो तभी स्टॉप करके पॉजिटिव से उसे बदल दें, क्योंकि ये तो आपके हाथ में है कि जब भी आपको लगता है यार मैं तो नेगेटिव सोच रही हूँ, स्टॉप एंड स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। सो ये आप कर सकते हैं। अगला है कि अगर आपको लगता है कि कौन सी सिचुएशन में आप नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं और आपका सारा जो ऑरा है नेगेटिव हो जाता है, तो वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो उनको अवॉइड करें। आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आप नेगेटिव हो जाएंगे, सो पर्पसली, कॉन्शियसली उस चीज़ को इग्नोर करें। सो कोशिश करें उस चीज़ से दूर रहने की ताकि आपको ट्रिगर ना हो नेगेटिविटी। और अपने डिसीज़न खुद से लें, अगर आप नेगेटिव हैं डिसीज़न ले के उसको ख़त्म करें। सो अगर आप अकेले हैं एंड ये कर सकते हैं, जब आप नेगेटिव सोचें तो तब अपने आप लाउडली अपने साथ बात करें, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, एफर्मेशंस कि आप बहुत अच्छे हैं, जो भी आपको सिचुएशन के हिसाब से लगता है अपने साथ ऊंची ऊंची गल्ला करें, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में आप काफ़ी काम एंड पीसफुल हो जाएंगे। एक और चीज़ कर सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट करें लोगों को। लाइक जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपके बाल कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं अपने बारे में कि आपने किसी और को अच्छा फील कराया। सो रोज़ किसी ना कुछ कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करें अगर आप कर सकते हैं, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं। आखिरी में है कि ग्रैटिट्यूड लिस्ट, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाएं, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो आप लिख के कर सकते हैं या बोल के कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं ना तो नेगेटिविटी दूर भाग जाती है। आपको पता चलता है कि आपके साथ अच्छा क्या क्या हो रहा है, तो नेगेटिव अपने आप दूर रहेगा, क्योंकि आप रब को बता रहे हैं, अपने गॉड को बता रहे हैं या यूनिवर्स को बता रहे हैं कि ये चीज़ें उसने आपको दी है तो आप कितने ग्रेटफुल हैं, तो यूनिवर्स आपको अच्छी चीज़ें और देगा। अगर आप नेगेटिव ही बोलते जाएंगे आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर से दिखाएं, सुबह उठते कर सकते हैं। एंड रात को सोने से पहले 5-6 ग्रैटिट्यूड वाली चीज़ें ज़रूर बोलें, रब को थैंक्स करें कि आपको सोने के लिए इन्ना सोना बेड, इन्नी वधिया छत, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया, आपका पेट चंगी तरह भरा हुआ है, आपके आसपास के लोग खुश हैं, हेल्दी हैं। सो मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। तो इस तरह आप नेगेटिविटी से दूर रह सकते। ओके दोस्तों, सो आज के इस प्यारे सखी सहेली सेशन के साथ बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बार में ज़रूर से बताना अगर आप किसी भी टिप के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हूँ मैं। सो डिनर के लिए आज बनने वाला है मशरूम। मशरूम फॉर सम रीज़न मुझे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, पर हस्बैंड मेरे मशरूम के इतने बड़े फ़ैन नहीं है, पर वो फ़ैन है नवाबी किस्म की करीज़ के, लाइक क्रीमी रिच। सो मैंने सोचा कि क्रीमी टेक्सचर की अच्छी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल करी बनाते हैं उनके लिए, मटर डाल के एंड थोड़ी खट्टी, इसलिए मैं टमाटर भी ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ। एंड ये रेसिपी ना कुछ साल पहले मैं बहुत ज़्यादा कुक करती थी, पर फॉर सम रीज़न मैंने बंद कर दिया, पर ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनी थी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी, आप खाएँगे ना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। एंड इसके साथ बनाने वाली हूँ मैं परांठा हस्बैंड के लिए, एंड बहुत स्वादिष्ट बना था मेरा डिनर। तो डिनर करने के बाद मेरा नेवर एंडिंग क्लीनिंग का प्रोसेस, जो मैंने लगता है कि बार 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 उसी साइकिल में चल रहा है। ऐसा लगता है कि किसी मैट्रिक्स में फंस गई हूँ मैं और रिपीट हो रहा है। सो या क्लीन करने के बाद सोने के लिए जाएंगे, सोने के लिए नहीं जाएंगे, आज हमने डिनर अच्छे गुड टाइम पे कर लिया है। अब मैं थोड़ा समय स्पेंड करूँगी मेरी वीडियो को एडिट करने के लिए। सो यस ओके दोस्तों, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड कल मिलती हूँ आपको नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूलिए, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय लालू। और यह नेकलेस को ख़रीदना मत भूलें, बहुत प्यारा है। इन्फिनिटी आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में, इन्फिनिटी लव, इन्फिनिटी सक्सेस and infinity everything।